रॉयल इनफील्ड मेटियोर की बैटरी को कैसे आप घर में ही निकाल सकते हैं और नई बैटरी को कैसे इंस्टॉल करने कर सकते हैं, इसका ये वीडियो है। ये देखिए बैटरी के साइड पैनल हमने खोल दिया है, इसके नीचे बैटरी रहती है। इसके बाद में बैटरी को लगी हुई एक पट्टी रहती है जिसके अंदर में फ्यूज लगे हुए रहते हैं, उसके लिए 10 का पैनल आपको लगता है। तो वो 10 के पाने से हमने साइड की पट्टी खोली और ऊपर जो है ये कुछ स्पैनर रखे हुए रहते हैं, उसकी भी पट्टी आप लगे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो वो भी कोई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद में वही 10 का पाना जो है माइनस पॉइंट का नट खोल देती है और वही 10 का पाना आपका जो प्लस पॉइंट जो रहता है बैटरी का उसका भी नट आराम से ये 10 का पाना ही आपको लगा के खोलना है। ये देखिए बहुत ईजी और आसान तरीका है बैटरी रॉयल इनफील्ड की मेटियोर की खोलना। ये दोनों खोलिए और ये जो हमने आधा खोल के रखा था ये साइड वाली पट्टी बैटरी की फिटिंग पट्टी, उसको हमने पूरा खोल दिया। फिर बैटरी की फिटिंग पट्टी को थोड़ा सा हमने बेंड कर दिया आगे की तरफ और ये देखिए ये बैटरी पुरानी निकाल दी है और इसमें फिर से ये रबड़ में नई बैटरी हमने इंस्टॉल की और सेम टू सेम इसमें डाला है। जैसी हमने पहले प्रक्रिया निकालने के लिए किया था वैसी फिट करने के लिए सेम टू सेम आपको प्रक्रिया करनी होती है। पट्टी जो बेंड की है उसको चिपका देना है बैटरी की तरफ, प्लस पॉइंट प्लस की जगह लगाना है, माइनस पॉइंट माइनस की जगह लगाना है। उसके लिए भी ये सेम 10 का पाना ही यूज़ होता है भैया। ये पाना रहेगा आपके पास में तो आप आराम से जो है मैकेनिकल का खर्चा ज़रूर आप बचा सकते हैं और घर में ही आप पुरानी बैटरी निकाल कर नई बैटरी आसानी से बिठा सकते हो और गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो।